स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिकली ब्रिटिश फॉरेन कॉन्क्वेस्ट। नाउ एज़ फार एज़ दिस एंटायर सीरीज इज कंसर्न, इसको आई एम गोइंग टू रैप अप बाय 15th of December। अब अगले 15 दिन में कंटिन्यूस वीडियोज विल बी देयर, 3-4 दिसंबर से बेसिकली कंटिन्यूस वीडियोस विल बी देयर, बिकॉज बाकी की सारी एंगेजमेंट थोड़ी सी हॉल्ट करके रखी है मैंने। एंड ये सीरीज जो बाय द टाइम पीरियड ऑफ 15 दिसंबर, आई विल बी रैपिंग अप बाय बेसिकली पुटिंग द बिगर वीडियोस। इट हैज़ बीन शेड्यूल्ड, तो इस बार कोई गड़बड़ इसमें नहीं होगी। बट इन एनी वेज, अब तक हम लोगों ने ये पूरी जो सीरीज चालू करके रखी थी, उसमें हमने देखा था कि कैसे फॉरन अराइव्ड इन आवर कंट्री, उसमें ब्रिटिश बिकम क्वाइट सिग्निफिकेंट लेटर ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। लेटर मुगल्स के अंडर का डिक्लाइन भी हम लोगों ने इलेबोरेटली कवर कर लिया। देर आफ्टर वी मूव टुवर्ड्स हाउ ब्रिटिश कॉन्क्वर्ड इंडिया, एंड ये कॉन्क्वर्ड इंडिया में इंडिया का डिसइंटीग्रेशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। वी स्टार्टेड ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम बंगाल, अवध, दिल्ली, देर आफ्टर हम लोगों ने हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर, मराठा एंड देर आफ्टर सिख, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ को कवर अप करके रखा हुआ। एंड दैट इज़ वॉट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जो पैन इंडियन एम्पायर ऑफ ब्रिटिशर्स ने बना के रखा हुआ था इन द बेसिकली एस्पेक्ट ऑफ डिफेंडिंग दिस पैन इंडियन एम्पायर, इन्होंने धीरे धीरे बेसिकली फॉरेन एरियाज़ को भी टारगेट करना चालू कर दिया। दैट इज़ बेसिकली ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ फॉरेन लैंड इन आवर कंट्री। ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को कॉन्कर करके रखा हुआ था, ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली तिब्बत, सिक्किम वाला एरिया, नेपाल वाला एरिया एंड इवन बर्मा वाला एरिया भी कैप्चर करके रखा हुआ था। एंड वी नीड टू सी दिस एंगल ऑल्सो, कि अल्टीमेटली डिफेंस ऑफ इंडिया के चक्कर में ब्रिटिशर्स ने फॉरेन पॉलिसीज इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट की। अल्टीमेटली यही फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया में आज भी कुछ प्रेसिंग इशूज़ हैं, जैसे मैकमोहन लाइन हो सकते हैं, या फिर तिब्बतियन इशू हो सकता है, फिर इवन कश्मीर इशू हो सकता है, इवन अफगानिस्तान इशू वी कैन टॉक अबाउट। तो विल एंटर इनटू दिस एस्पेक्ट टुडे। अगेन, अगले 2-3 दिन के लिए थोड़े से ब्रेक डाउन करके लेक्चर आई विल बी पुटिंग, 3-4 दिसंबर से थोड़े से बड़े वीडियोस जो है दैट आई एम गोइंग टू पुट। सो लेट्स मूव इनटू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट गाइस, एक एक करके फिर आगे बढ़ते। बट अगेन, आगे जाने से पहले, दिस इज द बिग अनाउंसमेंट, सो दिस इज द लास्ट डेट ऑफ दिस सेल। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, इट इज़ लाइक अ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों आपके प्रीलिम्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, करंट अफेयर एंड इवन सीसेट, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। विद इन 75 डेज वी आर गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट आर देयर इन योर प्रीलिम। एंड इसमें आई एम गोइंग टू टीच हिस्ट्री ऑल्सो, एंड दैट इज़ आई एम गोइंग टू फिनिश अप 15 दिसंबर के पहले एवरीथिंग, एटलीस्ट मॉडर्न इंडिया, बिकॉज एक बार हमारा सारा ही सीरीज़ कम्प्लीट हो जाएगा, तो हमने एंशंट कवर करके रखा है, मीडियल कवर करके रखा है, एंड आफ्टर इवन मॉडर्न विल बी कम्प्लीटेड, एंड वाया दिस पर्टिकुलर सीरीज़ आपको रिविजन में भी अच्छी ही हेल्प मिलेगी। तो आई एम गोइंग टू फोकस अपॉन एंशंट एंड मीडियल इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़, या फिर इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वी कैन से, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन अब वहीं से आ रहे हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर योर हिस्ट्री विथ मी, रिविजन करनी है अच्छे तरीके से करनी है, एंड इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ द फोबिया कि हिस्ट्री में अभी भी थोड़ा सा असिस्टेंट चाहिए आपको, देन फील फ्री टू जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स गाइज। इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली सीसेट है, जीएस है, टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड 75 डेज में आपका सारा रिविजन जो है एंटायर ऑप्शनल के लिए कवर अप हो जाएगा। एंड इसमें हिस्ट्री आई एम गोइंग टू टेक बाय माई सेल्फ। सो इफ़ यू यूज़ माई कोड, आज जिसका लास्ट डेट है, टुडे दिस एंड ऑफ द मंथ सेल इज़ बेसिकली क्लोजिंग, तो दैट्स आई बेसिकली आई एम वी कैन से दैट की अवेल दिस पर्टिकुलर सीरीज एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट ऑफ 6999 गाइस। एनीवेज, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ फॉरेन लैंड। एंड ये ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ फॉरेन लैंड में सबसे पहले अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करते, तो ऑब्वियसली इंडिया से लग के ही आपको दिखाई देगा अफगानिस्तान है। एंड अफगानिस्तान इज़ ऑलवेज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया। इनफैक्ट अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हम लोगों ने मीडियल पीरियड ऑफ टाइम से ही देखा हुआ है, दैट इज़ काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस। वी हैव सीन काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस इंडिया में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफेंसिव लाइन है। एक बार ये लाइन अगर आपके हाथ से निकल गई, तो दिल्ली पे के ऊपर इन्वेजन करना एंड दिल्ली से अल्टीमेटली नाउ ब्रिटिशर्स के लिए इवन कैलकटा के ऊपर इन्वेजन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। एंड दैट्स अ काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर दिल्ली में राइट नाउ कैलकटा में बैठी हुई एंटिटी जो है हमेशा ध्यान रख के रखी हुई है। फॉर दैट पर्पज़ हमने देखा था कि इन्होंने बफर स्टेट बना के रखा था पंजाब को। पंजाब वॉज एक्टिंग एज अ बफर स्टेट ताकि अफगानिस्तान के थ्रू किसी का इन्वेजन ना हो। एंड अफगानिस्तान के थ्रू इन्वेजन होने का डर किसका था? ऑब्वियसली नेपोलियन बोनापार्टे, एंड आफ्टर वी कैन इवन टॉक अबाउट रशिया। नेपोलियनिक थ्रेट वॉज बाय एंड लार्ज ओवर बाई 1815। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू। बट 1815 ऑनवर्ड नाउ रशियन थ्रेट वॉज इम्पॉर्टेंट, एंड इन दिस रशियन थ्रेट वी कैन टॉक अबाउट नाउ
अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बिकमिंग कॉशियस टूवर्ड्स अफगानिस्तान एंड ये इंग्लिश क्लैश विद अफगानिस्तान इसी एंगल में आपको दिखाई देगा। 1815 से लेके 1830-40 के बीच में अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होना चालू हुआ। अफगानिस्तान जैसे ही डिस्टेबलाइज होगा यहाँ पे वापस से फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, प्रिसाइजली अब रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। एंड अगर रशिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान वाले एरिया में बढ़ रहा है देन ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट। वाई इट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट? बिकॉज एज ओल्ड थ्रेट टू द ब्रिटिश एम्पायर। इंडिया इनके लिए इंपॉर्टेंट कॉलोनी है, स्पेसिफिकली आफ्टर द लॉस ऑफ अमेरिका इन 1776-1783 के अराउंड। एंड दैट्स व्हाई नाउ दे नीडेड इंडिया अंडर देम ताकि कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन के थ्रू उनके कंट्री का ग्रोथ हो जाए। एंड दैट्स व्हाई रशिया को इंडिया में आने से रोकना है तो रशिया के अंडर अफगानिस्तान भी नहीं आना चाहिए। दैट रूसोफोबिया या फिर फोबिया अगेंस्ट रशिया अल्टीमेटली एंटेंगल्ड ब्रिटिशर्स इन दिस अफगानिस्तान। एंड अफगानिस्तान में इसी पीरियड ऑफ टाइम में 1810-1820 ऑनवर्ड काफ़ी बड़ा सिविल वॉर भी हमको दिखाई देता है। इनफैक्ट अफगानिस्तान एक ज़माने में नादिर शाह के अंडर था फॉलोड बाय अहमद शाह अब्दाली, बट अहमद शाह अब्दाली हिमसेल्फ वॉज सीवियरली डैमेज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अल्टीमेटली अब्दाली कुड नेवर रिकवर फ्रॉम द शॉक दैट ही हैड रिसीव्ड इन दैट बैटल बिकॉज इट वॉज अ टोटल एनाइलेशन बोथ फॉर मराठाज एज वेल एज अब्दाली। एंड अब्दाली डाइड इन 1765। अब्दाली के जाने के बाद उसका बेटा दैट इज तैमूर शाह केम इन टू पावर एंड तैमूर शाह बिकेम द रूलर और ही रिमेन द रूलर टिल 1793 एंड तैमूर शाह 1793 में मर गया। तैमूर शाह के जाने के बाद उसके टोटल 23 सन्स, उनमें सिविल वॉर चालू हुआ। इफ़ यू रिमेंबर इस्लामिक किंगडम में देर इज़ नो लॉ ऑफ सक्सेशन, तो ईच एंड एवरी सन विल हैव इक्वल क्लेम ऑन द थ्रोन एंड इन दैट कैपेसिटी हर एक बच्चे ने क्लेम करना चालू किया। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर दोस्त मोहम्मद फात खान ऐसे हम लोग को यहाँ पे दिखाई भी देते हैं जो किंग मेकर के रोल में आ गए। जैसे हमने देखा था कि लेटर मुगल्स में ये किंग मेकर एंड मल्टीपल ससेशनिस्ट वेयर देयर इन द मुगल किंगडम या फिर मुगल थ्रोन, वैसे ही चीज़ें इनमें भी चालू हो गई। एंड इसी पीरियड में फिर 1793 ऑनवर्ड जमान शाह बिकेम द रूलर। 1793 से 1801 के बीच में ही वॉज द रूलर। हमने ये भी देखा था कि इट वॉज विद द एक्सेप्टेंस ऑफ जमान शाह महाराजा रणजीत सिंह ने अपने अर्लियर कॉन्क्वेस्ट इन पंजाब करके रखे हुए थे, स्पेसिफिकली लाहौर वाले एरिया में। बट ऑब्वियसली इंटरनल सिविल वॉर में ही लॉस्ट हिज पोजीशन, अल्टीमेटली ही वॉज ब्लाइंडेड एंड उसको ब्लाइंड करने के बाद अल्टीमेटली ही बिकम अ पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड सेम थिंग वॉज विथ हिज सन एंड सक्सेसर दैट इज शाह अब्दाली, जो 1803 से लेके 1809 के बीच में अफगानिस्तान का रूलर था। अगेन इसके खिलाफ भी रिवॉल्ट हुआ एंड अल्टीमेटली ही ऑल्सो बिकम पेंशनर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विथ इन इंडिया। एंड दैट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंस जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन द अफगानिस्तान पॉलिटिक्स। 1793 ऑनवर्ड से लेके 120 तक आते आते देर वर मल्टीपल रूलर्स इन अफगानिस्तान एंड जब जब अफगानिस्तान में रिवॉल्ट होगा द लूजिंग पार्टी यूज टू टेक हेल्प ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एंटेंगलमेंट विद अफगानिस्तान स्टार्टेड टू एनहेंस। फाइनली 1826 में दोस्त मोहम्मद हु वॉज इनिशियली किंग मेकर नाउ बिकेम द एम्पायर ऑफ अफगानिस्तान एंड दोस्त मोहम्मद ने 1829-1830 आते आते काबुल गजनी वाला एरिया कैप्चर कर लिया। तो काबुल, कंधार, गजनी ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टाउन्स हैं हिंदुकुश रेंजेस वाले वाइल एंटरिंग इन टू इंडिया, ये सारे दोस्त मोहम्मद के पास थे। एंड यही टाउन्स कैप्चर करने के बाद दोस्त मोहम्मद की नज़र अब बेसिकली पेशावर पे आनी चालू हो गई। दिस पर्टिकुलर पेशावर इफ़ यू रिमेंबर महाराजा रणजीत सिंह ने 1834 के अराउंड इसको कॉन्कर करके रखा था बिकॉज सतलज वॉज नाउ साइंटिफिक फ्रंटियर, सतलज के नीचे आप उतर नहीं पाओगे। एंड सिंस सतलज वॉज साइंटिफिक फ्रंटियर, सतलज के नीचे आप नहीं जा पाओगे तो ऑब्वियसली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सतलज के ऊपर वाले एरिया में कॉन्कर करोगे। तो 1800 से लेके या फिर 1809 से लेके 1838 के बीच में महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान, सिंध, देर आफ्टर इवन सम पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान, पेशावर एंड इवन कश्मीर वाले एरिया पंजाब में जोड़ के रखे हुए थे। ननतलेस इसी एंगल में आपको फर्स्ट अफगान वॉर होता हुआ दिखाई देगा। नाउ एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ब्रिटिशर्स को भी महाराजा रणजीत सिंह एज वेल एज अफगानिस्तान की टेरिटरी में इंटरेस्ट है। महाराजा रणजीत सिंह को पेशावर, कश्मीर एंड इवन काबुल में इंटरेस्टेड है। एंड काबुल में बैठा हुआ रूलर काबुल कंधार में दैट इज़ दोस्त मोहम्मद को अल्टीमेटली फिर पंजाब वाले एरिया में इंटरेस्ट है। एंड दैट इज़ अव अल्टीमेटली फर्स्ट अफगान वॉर होता हुआ हमको दिखाई दिया है। 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली 1833 के बाद वाला टाइम पीरियड है तो ना गवर्नर जनरल। एंड गवर्नर जनरल बनने के साथ साथ इसी पीरियड में
सेंट्रल यूरोप में बहुत सारी उलथा पुलथा हो रही थी. इनफैक्ट 1830 में देर वॉज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपोल साइन हुई थी. ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपोल जैसे ही यूरोप में साइन हो गई, उसके बाद यूरोप में हड़कंप मच गया, बिकॉज ब्लैक सी में, अजो सी में रशियन प्रेजेंस बढ़ा. एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए इट वॉज नेवर अ गुड थिंग, बिकॉज अगर मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी में अगर रशियन प्रेजेंस बढ़ता है तो दे माइट हैम्पर ट्रेड ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़, एज वेल एज वो वाली एरिया में वार्म वाटर पोर्ट जो है वो रशिया को मिल जाएंगे. अल्टीमेटली रशिया के ऊपर प्रेशर बना के इन्होंने लंदन कॉन्फ्रेंस की, एंड लंदन कॉन्फ्रेंस के थ्रू अल्टीमेटली रशिया को वापस से मेनलैंड रशिया में जाना पड़ा. दे हैड टू गिव अवे द राइट्स ओवर अजो सी, ओवर ब्लैक सी एंड इवन मेडिटेरेनियन सी. रशिया इसी के वजह से ब्रिटेन के खिलाफ गया था बाई 1830-1831, एंड रशिया ने उसका बदला कहाँ पर निकालना चालू किया, सेंट्रल एशिया में. एंड सेंट्रल एशिया में इंकर्जन करने चालू किए. अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल एशिया का बाउंड्री है अफगानिस्तान, एंड दैट्स व्हाई देयर वर अलार्मिंग रिपोर्ट इन लंदन कि रशिया अगर यूरोप में हारा हुआ है तो दे माइट कैरी आउट देयर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अक्रॉस एशिया, प्रिसाइजली सेंट्रल एशिया. तो ये सारी चीज़ों के वजह से फाइनली हमको दिखाई देता है कि देर वॉज एंटी रशियन फीलिंग अक्रॉस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. एंड ये एंटी रशियन फीलिंग जो अक्रॉस रशियन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जा रही थी, उसमें बेसिकली इन लोगों को वही लग रहा था कि धीरे धीरे रशिया माइट टेक ओवर पर्शिया एज वेल एज अफगानिस्तान, एंड अगर रशिया पर्शिया एंड अफगानिस्तान को टेक ओवर करेगा देन नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट विल बी इंडिया. एंड दैट्स व्हाई लंदन गवर्नमेंट में ही जो थिंकिंग चल रही थी उसमें हमको दिखाई देता है कि लॉर्ड पैलमस्टन हु वॉज ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, एंड देयर आफ्टर फिर इवन लॉर्ड ऑकलैंड हु वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों ने फॉरवर्ड पॉलिसी एडवोकेट करना चालू किया कि रैदर देन वेटिंग रशिया कमिंग एंड टेकिंग ओवर अफगानिस्तान एंड पर्शिया, हम लोग ही डायरेक्टली एरिया में जाके अटैक कर लेते हैं. एंड इसके हम लोग को एविडेंसेस भी दिखाई दिए हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेटर ऑन एंटायर अफगानिस्तान पॉलिसी जो फेल होने वाली है, ये वॉरफेयर भी फेल ही होने वाला है. ये फेल वॉरफेयर का जो जिम्मा है लॉर्ड ऑकलैंड के सर पे सबने डाल दिया. बट ऑब्वियसली लॉर्ड ऑकलैंड वॉज नॉट बेसिकली पर्सनैलिटी टू ब्लेम ओवर हीयर. द पर्सनैलिटी टू ब्लेम ओवर हीयर इज बेसिकली लॉर्ड पैलमस्टन हु वॉज ब्रिटिश फॉरन मिनिस्टर और फॉरन सेक्रेटरी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम. उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर मेलबर्न को लिख के भी रखा हुआ था कि बाई टेकिंग अफगान अंडर आवर प्रोटेक्शन एंड इन गैरिसनिंग इफ नेसेसरी हेरात वी शॉल रीगेन आवर असेंडेंसी इन पर्शिया. ब्रिटिश असेंडेंसी इन पर्शिया गिव सिक्योरिटी टू टर्की, जो पर्शिया के उस तरफ है, पर्शिया मतलब मॉडर्न डे ईरान, मॉडर्न डे ईरान के उसी तरफ आपको टर्की दिखाई देगा. एंड टेंड टू मेक सुल्तान मोर इंडिपेंडेंट एंड प्लेस द डार्डनेल्स मोर सिक्योरली आउट ऑफ द ग्रास्प ऑफ ज़ार निकोलस. तो मतलब टर्की दर आफ्टर डार्डनेस, डार्डनेस किसको कनेक्ट करता है, अजो सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है. तो मतलब टर्की, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, अजो सी, पर्शिया, अगर ये सारा ही एरिया अगर अपने अंडर आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर रशिया भी इंडिया की तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगा. एंड फॉर दैट पर्पज वी नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड पर्शिया वाला एरिया, जो ब्रिटेन के फॉरन पॉलिसी मेकर, दैट इज़ फॉरन मिनिस्टर, दैट इज़ फॉरन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन, इन्होंने बता के रखा. ब्रिटेन में फॉरेन सेक्रेटरी का मतलब फॉरेन मिनिस्टर ही होता है. अमेरिका में भी आपने देखा होगा कि फॉरेन सेक्रेटरी ही होते हैं, तो फॉरेन सेक्रेटरी इज देयर फॉरेन मिनिस्टर, अपने वाला पंगा नहीं है वहाँ पे. एंडर आफ्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भी ऑकलैंड के ऊपर बेसिकली एक लेटर लिख के ऑकलैंड को बता के रखा हुआ था कि द टाइम हैज़ अराइव्ड एट विच इट वुड बी राइट फॉर यू टू इंटरफेयर डिसाइडेडली इन द अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान. सच एन इंटरफेरेंस वुड डाउटलेसली बी रिक्वेसाइट Either to prevent the extension of Persian dominion or Russian influence. तो मतलब को अफगानिस्तान में कभी ना कभी तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा. एंड नाउ टाइम हैज़ अराइव्ड. एंड ये क्यों इंटरफेयर करना है, बिकॉज पर्शिया का इन्फ्लुएंस या फिर रशिया का इन्फ्लुएंस जो अफगानिस्तान पर आएगा एंड इनके थ्रू रशिया अफगानिस्तान एंड इंडिया पर अटैक करेगी, वो रोकने के लिए आपको अफगानिस्तान में इंटरफेयर करना पड़ेगा. एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि एक फॉरवर्ड पॉलिसी ब्रिटेन के तरफ बनी हुई है. एट द सेम टाइम अफगानिस्तान का रिस्पॉन्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इवन दोस्त मोहम्मद वॉज अवेयर द एंगजाइटी ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड ब्रिटिशर्स को अपसेट करना दोस्त मोहम्मद को भी बेसिकली ये अफोर्डेबल नहीं था. एंड दैट्स व्हाई दोस्त मोहम्मद पहले से ही वॉज एंग्शियस फॉर द फ्रेंडशिप ऑफ द ब्रिटिश. लॉर्ड ऑकलैंड जब इंडिया में आए थे तो उनको एक कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट, गिफ्ट भेजने का भी काम करके रखा हुआ था. एंड देयर आफ्टर दोस्त मोहम्मद ने एक कंडीशन भी रखी थी कि वी कैन हैव वेरी गुड रिलेशन विद द ब्रिटिशर्स, एक कंडीशन पे, पेशावर हमको वापस मिलना चाहिए. तो ब्रिटिशर्स अपने दोस्त है महाराजा रणजीत सिंह, उनसे बोले पेशावर वापस दे दे, या फिर ब्रिटिशर्स शॉल हेल्प अस इन रीगेनिंग पेशावर फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह.
लॉर्ड ऑकलैंड ने उल्टा रिप्लाई भेज दिया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, वी विल रिमेन न्यूट्रल, इट इज़ नॉट द प्रैक्टिस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट, इवन दो दे हैड डिड इट अंडर ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस अंडर फॉर द न्यूमरस इंडियन किंग. अल्टीमेटली इसी यंग पीरियड में रशिया एंड आफ्टर पर्शिया जो है उनसे हेल्प लेने का दोस्त मोहम्मद ने डिसाइड किया. एंड वो हेल्प आने से पहले ही ब्रिटिश ने या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना एक एजेंट जो है भेज दिया. कहाँ पे भेज दिया? देन ऑब्वियसली काबुल में भेज दिया. द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ बेसिकली अलेक्जेंडर बर्न्स. अलेक्जेंडर बर्न्स मिशन है. अलेक्जेंडर बर्न्स मिशन को भेजा तो गया था इन ऑर्डर टू इन्हांस फ्रेंडशिप विद दोस्त मोहम्मद, बट इसका एक्चुअल पर्पज़ वही था कि पॉलिटिकल कंडीशन गेज करे एंड देखे कि कई इंटरनल राइवलरीज तो नहीं है जिसको हार्नेस कर सके ब्रिटिशर्स, जैसे दे हैड डिड फॉर इंडियन रूलर्स. अल्टीमेटली बर्न्स ने रिपोर्ट वही करके रखा था कि अफगान के आमिर वही चाहते कि महाराजा रणजीत सिंह से पेशावर वापस मिले, बट अल्टीमेटली ऑकलैंड ने वही बोला कि भाई पेशावर तो मिलने वाला नहीं है. और इसी पीरियड में हमको दिखाई देता है कि बर्न्स मिशन जब फेल हो रहा था, रशियन मिशन इनके कोर्ट में आया, दोस्त मोहम्मद के कोर्ट में. एंड दोस्त मोहम्मद के कोर्ट में जो रशियन मिशन आया था कैप्टन विक्तेविच का, दे हैड प्रोमिस्ड एवरीथिंग टू दोस्त मोहम्मद. एंड इन दैट कैपेसिटी रशिया के अंडर जो पर्शिया भी आ चुकी थी उनके साथ अल्टीमेटली इन्होंने हेरात वाला एरिया जो है कैप्चर भी करके रखा हुआ था. तो बायनलाल दोस्त मोहम्मद हैड रिसीव्ड एश्योरेंस फ्रॉम रशियन फोर्सेस एंड इन दैट कैपेसिटी लॉर्ड ऑकलैंड के पास अब ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे. ही हैड टू ऑप्शन, एक तो पहले अफगानिस्तान के ऊपर के सारे ही प्लान अबैंडन करे एंड आफ्टर डिफेंसिव मेजर पंजाब वाले एरिया में लगाए, या फिर वी कैन टेक फॉरवर्ड पॉलिसी जो ब्रिटेन में पहले ही अप्रूव्ड है एंड वी कैन एंटर इनटू अफगानिस्तान एंड डिफीट अफगानिस्तान वंस एंड फॉर एवर. अल्टीमेटली लॉर्ड ऑकलैंड वेंट फॉर द सेकेंड पॉलिसी एंड अंडर दिस पॉलिसी पहले महाराजा रणजीत सिंह से कॉन्टैक्ट किया. 1838 में एक ट्राईपार्टाइट अलायंस साइन की गई. शाह शुजा हु वॉज अ फ्यूजिटिव प्रिंस ऑफ अफगानिस्तान, महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये ट्राईपार्टाइट अलायंस में यही डिसाइड हुआ था कि सबसे पहले शाह शुजा को नया किंग या फिर आमिर ऑफ अफगानिस्तान बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख. इन रिटर्न शाह शुजा क्या करेगा? महाराजा रणजीत सिंह का जो क्लेम है पेशावर तक उसको परमिशन दे देगा, मतलब राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर अप टू हिंदू कुश रेंजेस, ये सारा एरिया इंक्लूडिंग पेशावर महाराजा रणजीत सिंह का होगा. देयर आफ्टर महाराजा रणजीत सिंह एंड देयर आफ्टर इंग्लिश के एडवाइस से ही अपने फॉरेन अफेयर रिलेशन शाह शुजा कंडक्ट करेगा. एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली सिंध वाले एरिया में, बलूचिस्तान वाले एरिया में भी देयर विल बी नो क्लेम ऑन द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान रूलर शाह शुजा. अल्टीमेटली अलायंस साइन हुई एंड अलायंस साइन करके इन लोगों ने डायरेक्ट इन्वेजन करना चालू कर दिया. फॉर दैट पर्पज़ सितंबर 1938 में ट्राईपार्टाइट आर्मी शाह शुजा के छोटे मोटे फोर्सेस बट मैक्सिमम फोर्सेस पंजाब के, दैट इज़ बेसिकली सिख रेजिमेंट वी कैन से अंडर महाराजा रणजीत सिंह एंड आफ्टर ब्रिटिश रेजिमेंट ज्वाइन हुई. बट जैसे ही फिरोजपुर के अराउंड असेंबल हुए, फिरोजपुर इज़ इन पंजाब, वहाँ पर असेंबल होने के बाद रशिया को पता चला कि भाई देयर इज़ अ वॉर इन द ऑफेंज. एंड जैसे उनको पता चला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस अलॉन्ग विद महाराजा रणजीत सिंह आर मार्चिंग टूवर्ड्स अफगानिस्तान, उन्होंने फटाक से अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करना चालू कर दिया. पहले तो जो हेरत को सीज करके रखा था पर्शियन फोर्सेस ने, वो सीज हटाया. एंड देयर आफ्टर हमको दिखाई देता है कि अल्टीमेटली काबुल से जो कैप्टन विक्तेविक बैठे हुए थे उनको भी वापस बुला लिया. तो जो ओरिजिनल इरिटेंट थे, रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, दे वेर गॉन बाय द टाइम पीरियड दे वेर मार्चिंग टूवर्ड्स अफगानिस्तान. एंड दैट्स व्हाई जब फिरोजपुर में आर्मी थी तब अल्टीमेटली ऑकलैंड के पास वापस से वही ऑप्शन थे कि सिंस रशिया हैड टेकन अ बैक इट्स डिसीजन टू बेसिकली एनहेंस इट्स फुटप्रिंट इन अफगानिस्तान, तो हम लोग बेसिकली क्या करें, वापस चले जाए घर पे कैलकाटा में, पंजाब में, या फिर वी कैन कैरी फॉरवर्ड दिस फॉरवर्ड पॉलिसी. एंड अल्टीमेटली ऑकलैंड डिसाइडेड कि उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी को वो कंटिन्यू रखेंगे. अल्टीमेटली ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल ऑकलैंड, ही वॉन्टेड कि ये पूरा एरिया अफगानिस्तान वाला अगर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाता है तो फ्यूचर में नेपोलियनिक वॉरफेयर या फिर इवन रशियन वॉरफेयर, ऐसी वाली कोई भी समस्या इंडियन के लिए या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं आएगी. एंड फॉर दैट पर्पज़ अल्टीमेटली ही गेव ऑर्डर टू द ब्रिटिश आर्मी टू मार्च अहेड. फाइनली ब्रिटिश आर्मी मार्च अहेड. अगस्त 1839 में काबुल फेल. दोस्त मोहम्मद को अरेस्ट करके कैलकाटा में भेजा गया एज अ प्रिजनर एंड अल्टीमेटली शाह शुजा को आमिर ऑफ अफगानिस्तान डिक्लेयर कर लिया. हाउ एवर, शाह शुजा को भले ही आमिर ऑफ अफगानिस्तान डिक्लेयर कर लिया, बट शाह शुजा वॉज ऑलवेज अ फॉरन पर्सन फॉर द अफगानिस्तान रूलर.
अफगानिस्तान की सोसाइटी एक ट्राइबल सोसाइटी है, किथन किनशिप पे चलने वाली सोसाइटी है, एंड दे नेवर लाइक द इंटरफियरेंस जो ब्रिटिशर्स का इनके कोर्ट में था। ब्रिटिशर्स का तो था ही, ऊपर से महाराजा रंजीत सिंह का भी उतना ही इन्फ्लुएंस इनके कोर्ट में बढ़ा बिकॉज ऑफ द शाह शुजा। एंड अल्टीमेटली शाह शुजा के खिलाफ 1839 से 1841 में मल्टीपल रिवॉल्ट हुए। फाइनली दिसंबर 1841 में हमको दिखाई देता है कि सारे ही अफगान के आमिर एक साथ आए और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जो है उनका मैसेकर करना चालू किया, जिसमें रफली वी कैन से डैट कि 15,000 से 16,000 ब्रिटिश आर्मी के फोर्सेस मारे गए। शाह शुजा हिमसेल्फ वॉज लेटर ऑन असैसिनेटेड। एंड अल्टीमेटली ये सारे फियास्को के बाद लॉर्ड ऑकलैंड हैड नो अदर ऑप्शन बट टू रिकॉल द एंटायर आर्मी। ही एक्सेप्टेड द फेलियर ऑफ द मिशन। दोस्त मोहम्मद जो कैलकाटा में बैठा हुआ था उसको रिलीज़ किया गया एंड दोस्त मोहम्मद को वापस भेजा गया इन 1842 इनटू अफगानिस्तान। एंड फाइनली इंडिया में जो ऑकलैंड थे वो भी चले, ऑकलैंड की जगह लॉर्ड एलनबर्ग केम इनटू द हॉराइजन। तो लॉर्ड एलनबर्ग 1842 में फाइनली बिकेम द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड विद अराइवल ऑफ द लॉर्ड एलनबर्ग एंड डिपार्चर ऑफ जनरल ऑकलैंड, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉरफेयर ख़त्म हो गया। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉरफेयर इट वॉज अ फियास्को ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। ऐसा माना जाता है कि उस जमाने के ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए ब्रिटिशर्स ने इसमें खर्च कर दिए एंड अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। मोर देन 20,000 सोल्जर्स वेर मैसेकर्ड एंड इंटरनेशनल लेवल पे इसके वजह से जो फेस लॉस हुआ, बदनामी हुई, वो अलग से। एंड दैट्स अ ब्रिटिशर्स नाउ डिसाइडेड कि दे विल नेवर इंटरफेयर इन टू अफगान पॉलिटिक्स अगेन। एंड दैट्स अ देर वॉज अ पॉलिसी ऑफ द मास्टरली इनएक्टिविटी हैंस फोर्थ जो लॉर्ड एलनबर्ग के अंडर ही हमको दिखाई देती है। हाउएवर दैट इज़ समथिंग दैट वी विल डिस्कस नाउ टुमारो। आज के लिए वही रोकेंगे, आज हम लोगों को पहला एंग्लो अफगान वॉर ही देखना था। तो रिमेनिंग ऑफ द टॉपिक जो है उसको मैं कल कंटिन्यू करूँगा। बट अगेन जाने से पहले गाइस, SIP है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, रिविजन इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। सेल्फ प्रिपरेशन भी होता है, बट सेल्फ प्रिपरेशन में अगर फैकल्टीज़ आपके साथ में रहे एंड देयर आफ्टर यू कैन क्लियरली से कि कोई एक टॉपिक बचा है, कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज़ द लास्ट चांस कि एक कॉम्प्रिहेंसिव 75 डेज में आप रिविजन भी कर सकते हो, या फिर एक कोई टॉपिक बचा हुआ है देन ऑब्वियसली आप उसको भी कवर अप कर सकते हो। एंड दैट्स आई विल हम्बली सजेस्ट टू यू कि इसको ज्वाइन कर लेना। एंड अभी सेल भी चल रहा है तो इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ़ यू यूज़ माई कोड SNLIVE। एंड अगेन इसमें हिस्ट्री वाला कॉम्पोनेंट आई एम टेकिंग केयर ऑफ, तो ऑब्वियसली रिविजन भी आपकी हिस्ट्री में मेरे साथ अच्छी खासे तरीके से हो जाएगी। सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइज, आई होप टू सी यू इन द क्लास एंड दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड। तो अगेन जाने से पहले जो PPT है यू विल बी गेटिंग ऑन दी टेलीग्राम चैनल ऑफ आस, एंड अगर आपके कोई डाउट रहेंगे यू कैन आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आस। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। थैंक यू सो मच गाइज। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।